Good morning. Today is a very special show. सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदे इस्लाम अलैकुम. थोड़ा सा जरा जोर से बोल दे इस्लाम अलैकुम. There you go. मेरा शो है तो it should be loud and very very loud. कैसे हैं आप लोग, सब सही हैं? मोहब्बत किस किस ने की, हाथ उठाए. आपने भी की? सबने की है. ओके, मैंने भी की है. आपने भी की है? ऑलराइट. मैं माँ की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली होता ही है कि जब भी मैंने अपनी माँ से बहुत प्यार किया है, लेकिन प्यार भी किया है जिनका ताल्लुक मेरी माँ से नहीं, उनसे. हाँ, तो बाजी से मैं पूछता हूँ ना, तो बाजी तक अक्सर ये कहते हैं कि माँ से प्यार किया, माँ की मोहब्बत की बात है. तो माँ की मोहब्बत की बात हरगिज़ नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ प्यार की बात हो रही है. तो हियर वी गो. आज का शो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के शो में एक मेकओवर है, और वो मेकओवर ऐसा है जो इससे पहले शायद हमने अपने किसी शो में नहीं किया और किसी के लिए भी नहीं किया. तो हियर वी गो. इससे पहले कि मैं उस गाने की तरफ जाऊं जो मुझे बहुत पसंद है, एंड दिस मॉर्निंग आई जस्ट वांट टू सिंग दैट, बहुत सारी तालियां सुफिया नवीद लारी के लिए, बहुत सारी तालियां. अस्सलाम वालेकुम. शाहिद के लिए बहुत सारी तालियां. फ्रॉम नाइस शाहिद, कैसे हैं आप? The one and the only Mr. Wajid Khan, बहुत सारी तालियां वाजिद के लिए. And of course the lovely Angie Marshall, Assalamu Alaikum ji. And of course ladies and gentlemen, one of my favorites, Benita David, Assalamu Alaikum ji. And this is my favorite, so here we go. आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे. जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे. तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों. जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों. तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से. आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से. फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, है दिल किसी की याद में बेकरार क्यों. आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहाव दे. जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे. तूने है फिर बना लिया याद में, होता है बेकरार क्यों. जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों. ऐ दिल किसी की याद में, होता है बेकरार क्यों. जिसने भुला
के तुझ में रोशनी, अब ना किसी के नाम से तू रो दिया है मेरे दिल, ज्योत बुझाओ शाम से कि फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, ए किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, इसमें बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ए किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, इसमें बुला दिया तुझे उसका है इंतजार। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां मेरे बैंड के लिए। आज का शो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले हमने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया था 2016, उसकी जो विनर थी माही, किस तरह से वो पहुंची हैं, आज ये सारा का सारा मेकओवर माही के लिए है। लेकिन इस शो का मकसद क्या है? शो का मकसद ये है कि आप में भी एक माही बसती है, जो कहीं भी हो सकती है, जो कराची में हो सकती है, लाहौर में हो सकती है, पेशावर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। आप घर बैठ के मॉडल से ज़्यादा हसीन लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? वाजिद के मेकअप की वजह से लग सकते हैं, सोफिया के ड्रेसेस की वजह से लग सकते हैं, बिनीता की यू नो ट्यूटोरियल्स की वजह से लग सकते हैं, एनजी की हेयर कटिंग की वजह से लग सकते हैं, शाहिद की ज्वेलरी की वजह से लग सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जो कॉन्फिडेंस है इन तमाम लोगों की मौजूदगी में, आप घर बैठ के वो हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे आज। तो आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सफर एज अ नॉविस शुरू किया था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कैसे तब्दील होगी। आइए आपको दिखाते हैं कि माही का यह सफर शुरू कैसे हुआ। वॉच दिस। आपका साहिर में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2016 ने बेपनाह अवामी मकबूलियत हासिल की और ब्यूटी क्वीन 2016 का ताज जिस हसीना के मुकद्दर बना वो है मासूम चेहरे और मुनफरद मुस्कुराहट वाली माही। माही के अंदाज, उनकी आवाज गोरे को काला कर देता है, उनको पता नहीं चलता कौन सी स्टिक लगानी है और कौन सा पैनकेक लगाना है। लगा लिया आई शेड पे डार्क, इतना लगा देंगे पता नहीं चलेगा कुछ भी, बस लगाते जाएंगे। और चाल ढाल सब है सबसे जुदा। माही का ये सफर रहा बेपनाह खूबसूरत, लेकिन इस सफर में काफी मुश्किलें और रुकावटें भी आईं। आपको क्या लगता है आज आप यहाँ रहेंगे या चली जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। ग्रैंड फिनाले के दिन जब जजेस के फैसले के मुताबिक माही को एलिमिनेट किया गया और वाजिद ने भी जब माही को सेव करने से इनकार किया तो माही बहुत जज्बाती हो गई, क्योंकि माही सबके दिलों में पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन आखिर ही लम्हे वाजिद ने अपना फैसला बदला और माही को वापस ले आए। बस फिर क्या था, चाहे खूबसूरत लिबास पहनकर वॉक हो या मिर्चे खाने का मुकाबला, माही ने फिर पलट कर नहीं देखा और बिलाखिर तमाम जजेस ने अपना फैसला सुनाया। और माही ने इस सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत लिया। The Queen of 2016, Rabab, please come forward. और बन गई ब्यूटी क्वीन 2016। आज के शो में माही है हमारी मेहमान और वाजिद एनजी मार्शल माही को देंगे एक नई लुक और माही चलाएंगे सब पे अपना जादू।
मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माही से मिलते हैं, लेकिन माही को मिलने से पहले हम आपको बता दें कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कल से ही शुरू हो गई थी जब हमने इनको एनजी के सैलून भेजा था। तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद हम आपको मिलवाएंगे माही से। माही के हमने कुछ बालों में तब्दीली की है, कैसी लगती हैं वो आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि माही को बुलाएं, इंजी आपके सैलून गई थी कल ये? जी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा था? वेरी नाइस। शुरू में जब आई तो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन देन ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल किया, देन आई डिस्कस्ड विद हर कि हम क्या लुक क्रिएट करेंगे। देन थोड़ा सा पहले उनको ये होता था कि पता नहीं क्या उनके बाल बहुत शॉर्ट कर दूंगी मैं, या ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा कि कलर कुछ ऐसा डाल देंगे। देन आई एक्सप्लेन टू हर कि चूंकि वो बहुत यंग हैं और इनोसेंट भी हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हम उनके बालों में गर्लिश सा कोई लुक देंगे, बहुत शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मॉडल्स के साथ ये होता है स्पेशली एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो अपना करियर अभी स्टार्ट कर रही हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट बाल कर देते तो वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनका करियर। ओके, तो आपने बालों की लेंथ जो है वो थोड़ी सी लेंथ हमने थोड़ी सी कम की है, लेकिन उसी में आई प्लेड अराउंड, थोड़ा सा बाउंस और बॉडी आए उसके बालों में, मूवमेंट आनी चाहिए बालों में ताकि सॉफ्टनेस क्रिएट हो। एंड वी ब्रोक द कलर, बहुत सॉलिड एक डार्क कलर था जिसको हमने ब्रेक किया। अच्छा, हमने इसको आपके लिए फिल्म किया है, आइए आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। हाय, दिस इज माही, मैं विनर हूँ ब्यूटी क्वीन 2016 की। मैं बहुत एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनजी के सैलून में, वो मेरा मेकअप कवर करेंगी, मेरा हेयर स्टाइल चेंज करेंगी, देखते हैं क्या होता है। हेलो, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू हियर। ओके माही, सो आर यू रेडी फॉर अ चेंज? व्हाट आई वुड वांट टू डू इज कि थोड़ा सा हम एंड्स पे ओम्ब्रे करें और एक अच्छा चंक हम यहाँ पर साइड पे आपको डाल के दें। So now we are going to start your haircut. Okay, so now the cut is ready. देखिए कितनी मूवमेंट और कितनी बॉडी आ रही है इसमें। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपके जो एंड्स हैं इसको थोड़ा सा हम, चूँकि आप यंग हो तो थोड़ा सा गर्लिश इफेक्ट देने के लिए हम इसमें ओम्ब्रे करते हैं। एक या दो चंक्स हम यहाँ देंगे। कलर हो गया है अब इनके बालों में, मैं फॉइल चेक कर रही थी, अब हम वॉश करेंगे और फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। So we now present to you Mahi, the model. She was the winner of the beauty contest 2016. Oh my God, totally changed. I love my hairs. Thank you so much. Anji, आपने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ। के सैलून से अगर आप बाल कटवाते हैं तो कुदरती बरकत भी होती है, बाल लंबे होते हैं। सीरियसली ऐसा हुआ है। सुनीता से पूछें। सो ऑल द गंजा पीपल आई शुड सेंड टू योर सैलून, राइट? बरकत होती है, बाल लंबे हो जाते हैं इनके सैलून से बाल कटवाने से, अगर इनके हाथ से कटाएंगे। ऑलराइट, एक्चुअली बहुत अच्छा चेंज था। दैट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, यस बिलीव मी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना एनजी, ये तो एक नई बात हो गई यार, ये तो एक नई बात हो गई वाकई। अच्छा जी, जितनी मॉडल आप भी बाल कटवाइएगा आपके भी लंबे जाएंगे इन्हीं के हाथ से। मेरे बाल भी इतने इतने हो जाएंगे फिर इसके बाद तो, और वैसे भी मॉर्निंग शोज के अंदर तो जो टॉपिक्स मैं कर रहा हूँ इन दिनों उसके लिए तो बाल लंबी जरूरत होना चाहिए।
तोड़ते जी टेबल पर खड़ा हो जाओ नहीं बट 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 ये तो एक नई चीज शुरू हो जाएगी कि एनजी के अगर उससे कटवाएं सैलून से और उनके हाथ से कटवाएं बहुत सारी मॉडल्स मुझे ये कहती हैं एक्ट्रेसेस ये कहती हैं इवन मेरे क्लाइंट्स अपने कहते हैं थोड़ा सा जरा ये अपर्चर बढ़ा दीजिएगा प्लीज हां मुझे लग रहा है कि ऐसे एनीवे नाउ टाइम इज टू मीट माही अगर आप लोग तैयार हैं तो बुलाएं माही को बुला लें बहुत सारी तालियां माई के लिए हाँ जी कैसा लग रहा है आपको कुछ कह नहीं सकते स्टेज लग रही हूँ बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं हूँ पहले आई थी तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी एनजी के पास जाने के लिए कि यार ज़्यादा हेयर तो नहीं कट कर देंगी क्या होगा मेरे बालों के साथ जब फाइनली रिजल्ट आया आई वॉज शॉक मैंने कहा वाओ अमेजिंग वाजिद बहुत परफेक्ट डिसीजन था अगर आप इनको नहीं सिलेक्ट करते तो सीरियसली इंडस्ट्री से बहुत अच्छा चेहरा मिस हो जाता मैंने पूरा शो देखा एंड सब मॉडल्स बहुत अच्छी थी बट माही यू आर परफेक्ट मॉडल एक्चुअली आप हो ही इस शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बनी है थैंक यू एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और एक और बात साहिर और साहिर की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज शो किया है इतने बड़े शो को हैंडल करना उसको इतना मेंटेन रखना उसकी टोन का मेंटेन रखना तो हैट्स ऑफ टू साहिर शो While on that subject, अगर आपको वाकई तालियां बजानी है तो प्लीज मेरी टीम के लिए बजा दीजिए Honestly, होता पता है क्या बिकॉज आई एम द फेस तो लोग शायद ये कह देते हैं कि शायद मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ आई एम ट्रीटेड डिफरेंटली मैं बिल्कुल एंड में आता हूँ अपने ऑफिस में होता हूँ मेरा एटमॉस्फेयर बहुत एयर कंडीशन होता है बहुत सारे लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं सो एक्चुअली जो मेरी टीम है वो इस पूरे मैं सिर्फ उसका फेस हूँ मुझे बस मैं हमेशा डरता हूँ कि जब आप लोग मुझे फ्रंट पे लेके आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी सारी मेहनत को जाया कर दूं तो दिस इज टू माय टीम थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एक बात और कहूंगी आप बहुत बहुत अच्छे लगे और आई जस्ट लव योर वॉच Oh, you do? Yeah, watch का जो कलर है ना लेदर ब्राउन वो बहुत आप ले जाएं आज आप ले जाएं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मेरी तरफ से ले जाएं I'm giving my watch to Binita I am it's okay ये जिसको मेरे साथ एक बड़ा अजीब मसला है दो तीन वॉचेस के अलावा जो शख्स भी मेरी वॉच की तारीफ करता है मैं दे देता हूँ awesome thank you so much नहीं अब आप ये पहनेंगी वॉच you know what ये तो ऐसा हो गया है मेरे लिए जैसे it's I'm getting so emotional for this thank you so much all good अच्छा जी तो आज हम क्या करने वाले हैं वाजिद बताइएगा क्या करने वाले हैं एनजी ने तो आप देख सकते हैं एनजी ने पूरा लुक एक चेंज कर दिया है इनफैक्ट कल रात में मुझे पता चला जब माही का हेयर कट हो गया था आई कॉल एनजी मैंने बोला एनजी ज़्यादा बाल छोटे तो नहीं कर दिया आपने तो एनजी ने बोला बॉब कर दिया मैंने आपने क्या किया उसकी खूबसूरती बालों में थी आपने उसके बाल काट दिए मैंने कहा नहीं उसकी खूबसूरती उसकी लॉन्ग नेक है तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट बॉब कर दिया आई वाज जस्ट किडिंग विद हिम बचपन में मुझे भी ये बोलते थे मेरी भी बहुत लॉन्ग नेक है शादी के बाद लॉन्ग नहीं रही कम हो गई बिल्कुल जी एक छोटा सा ब्रेक है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वाजिद का मेकअप शुरू हो जाएगा लेकिन सुबह मैं आपसे बात करना चाहूंगा आज आप इनके लिए क्या लेके आई कितनी चेंजेस ये कर रही हैं आज दो इनके मेकओवर्स होंगे उसके अंदर एक थोड़ा लग्जरी प्रिंट आउटफिट है थोड़ा रैप है उसके अंदर और दूसरा जो है वो थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है ऑलराइट चलिए जी छोटा सा ब्रेक है और आपको एक बड़ी खास बात बताऊं कि जितने भी कपड़े आज माही पहनेगी ये सब आपके लिए भी हो सकते हैं द ओनली थिंग इज यू हैव टू कॉल अस छोटा सा ब्रेक है जी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक इन मॉर्निंग
अच्छा बाजिद ने, सुफिया बाजिद ने कहा कि वो तीन चेंजेस करना चाहते हैं, विल दैट बी ओके विद यू? या ऑलराइट जी, तीन तीन हो जाएंगे। हाँ जी वाजिद आइए। क्या है, जैसे कि आपको पता है माही के बहुत फीचर्स जो हैं बहुत सॉफ्ट हैं, हमने इसके माही के आईब्रो इस वक्त तुम कौन सा मेकअप करने जा रहे हो? हम सॉफ्ट मेकअप करेंगे, हम जो पहला लुक देंगे हम सॉफ्ट मेकअप करेंगे और हम हल्का सा बालों को सिर्फ आयरन वाले कर्ल्स करके जो ये उम्ब्रे किया हुआ है एनजी ने, इसको हम थोड़ा सा एनहांस करेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम। अच्छा मुझे ये बताइए क्या घर बैठ के जो खवातीन हमको देख रही हैं वो कर सकती हैं मेकअप खुद? ओ बिल्कुल कर सकती हैं, फॉर श्योर बिल्कुल कर सकती हैं, बहुत मिनिमम मेकअप लगाएंगे तो बिल्कुल कर सकती हैं। सबसे पहले अभी कुछ तुम्हारे चेहरे पे लगा हुआ? नथिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फाउंडेशन लगानी है। ओके मुझे क्लिप मिल जाएगा, कुछ फैशन क्लिप चाहिए होगा। हम लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे। अच्छा व्हाई लिक्विड फाउंडेशन? लिक्विड फाउंडेशन में माही के देखिए कोई स्कार नहीं है, स्किन बहुत क्लियर है। हाँ तो क्या है कि हम लिक्विड फाउंडेशन के साथ करेंगे। ठीक है, हमने ये ले लिया, हमने NC35 हम ले रहे हैं। इसीलिए तो मैंने वाजिद से कहा कि मैंने बॉब काट दिए। हमने बालियाज और ओम्ब्रे की टेक्निक मिक्स करके फिर इनके बालों में कलर डाला। बहुत ब्लेंडेड, बहुत अच्छा ब्लेंडेड वो आया हुआ है। भाई जान माइक लगा हुआ है, नहीं करो आप भी बात करोगे हम लोग भी बात करेंगे सारे। शायद भाई आप क्या कुछ लेने आए हो यहाँ पे? और ब्रश के साथ उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, सॉफ्टली ब्रश को आपने मजे का। और तुम्हें पता ना माई, इसके बाद मैंने और शाहिद ने तुम्हारा मेकअप करना। उसकी आंखें एकदम फट गई थी, क्या हो गया? ओके करने के क्राउन रख लो, नहीं कराना है। राइट, ब्रश से लगाने के बाद उसको हम फिंगर टिप के साथ हम इसको स्मूथ कर रहे हैं, बैलेंस। कोई भी कंसीलर नहीं किया, बस डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई। हां बिल्कुल डायरेक्ट। अच्छा कंसीलर, आप कंसीलर की जब हम बात करते हैं तो कंसीलर हमेशा आपको फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद करें तो ज्यादा अच्छा कंसील होता है। यूजुअली क्या करते हैं कि हम पहले कंसीलर लगाते हैं फिर फाउंडेशन लगाते हैं तो कंसीलर सारा रब हो जाता है, फैल जाता है। अच्छा एक बात, आप लोग हमेशा कहते हैं मुझे, मैं जो थोड़ा बहुत मेरा अभी जो आप लोगों को देख देख के आप लोगों के साथ कर करके जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक कि आप लोग कोई पहले लोशन वगैरह लगाते हैं कुछ? और फिर उसके बाद जैसे वाजिद ने कहा जो लगाते हैं कंसीलर, इट्स मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। बाज लोग पहले लगाना पसंद करते हैं अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज होता ये है कि जब आप कंसीलर लगाते हैं और उसके ऊपर जब फाउंडेशन लगा के उसको ब्लेंड करते हैं तो सारा कंसीलर पूरे फेस पे फैल जाता है। जी अब हम पाउडर कर रहे हैं, फिर पाउडर की एप्लीकेशन, पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, पाउडर उड़ जाता है। पाउडर को भी टैप करना है, उसके बाद आपने हल्का सा आंखों के ऊपर एक हम सिंगल हम एक गोल्ड शेड की एप्लीकेशन देंगे। अच्छा व्हाई गोल्ड? क्योंकि वो सॉफ्ट लुक देता है गोल्ड। बहुत ओके, हमने ब्रश को गीला किया और वैसे माही जो जितना भी जो 5 दिन शो चला है ब्यूटी कॉन्टेस्ट को, सबसे मुश्किल टास्क सबसे ज्यादा क्या लगा था वैसे? मुझे पता है कौन सा लगा होगा, चाय वाला। चाय वाला? हां आई वाज अबाउट। अच्छा अच्छा एक मिनट रोक, एक बात बताओ, जब तुम्हें वाजिद ने, बिकॉज़ ऑनेस्टली जब तुम्हें वाजिद ने कह दिया था कि वो तुम्हें नहीं रोक रहे तो फिर कैसा लग रहा था? मैंने कहा बस यहाँ तक आई हूँ, इनफ है, यहाँ तक भी पहुँचना मुश्किल था बट पहुँची, बहुत है। थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि यार फाइनल तक हो जाती तो अच्छा था, भले कोई मसला नहीं है, बट सैड हो रही थी कि यार क्राउन, कभी सोचा नहीं था कि क्राउन भी मुझे मिलेगा। हम तो और भी मॉडल्स थी अच्छी अच्छी। अच्छा फिर जब वाजिद ने तुमको वहाँ से जाके पकड़ा और लेके आए तो फिर क्या हुआ? फिर तो मैंने कहा वाह मैं बच गई। मुझे थोड़ा सा जब
हमेशा सपोर्ट करते हैं, बताते रहते हैं कि यार वो कैसे करनी है, ऐसे परफॉर्म करना है, ये सब कुछ करना है। और जब वाजिद वहाँ पे बैठे, इतना रूड थे ना उन्होंने, इतना कोई जैसे मुझे डांटा, कहा कि तुम्हारे पास हाइट है, फिजिक है, तुम्हारा फेस है, स्माइल है, तुम नहीं कर रही परफॉर्म, मैं नहीं ले रहा मैं। तो मैं शॉक हो गई, तो मैंने कहा यार ये क्या, मुझे सेव नहीं कर रहे। फिर जो है मैं नीचे गई, मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं, वैसे सपोर्ट तो की थी ना उन्होंने इतनी सारी, तभी तो यहाँ तक आई थी मैं। स्टिल पॉजिटिव, स्टिल पॉजिटिव, अभी भी ठीक, सही बात। ओके, आई थिंक जब जजेस से बात हो रही थी, आप लोगों से जब बात हुई थी, तो आप लोगों ने जो मेन आपका रीजन था वो यही था कि शी वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट आपने, रुबाब ने और शाहिद ने, आप लोगों ने यही डिसाइड किया था कि इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो दैट्स वाई यू साइडेड एंड यू वर देयर। यस, एब्सोल्युटली। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी पूछा जब शो लोग मिल रहे हैं शो देखने के बाद, तो लोगों ने मुझे कहा वाई हर, दूसरी लड़कियाँ भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट कि लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बच्ची का थ्रू आउट जो एटीट्यूड था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा। एंड हम लोग ये भी यू सी, हमें तो बैक स्टेज भी पता होता है ना कि क्या हो रहा है, विच द मॉडल्स डोंट नो, सो अ लॉट ऑफ मॉडल्स वर फाइटिंग ओवर कि मैं ये पहनूंगी, मैं ये नहीं पहनूंगी, मुझे यही पहनना है। लेकिन इसके साथ ये था कि वट एवर टास्क वॉज गिवन टू हर, इसने खामोशी से कपड़े भी पहने, सारे आउटफिट्स भी पहने, जो ज्वेलरी दी जाती थी वो भी पहनी। और एक अच्छी मॉडल की पहचान ही ये होती है कि जो उसको टास्क दिया जाए वो उसको कम्प्लीट करे। जी शुक्रिया। अंदर सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, कपड़े खींच रहे थे, हम ये पहनेंगे, बट इसको जो दिया माही को, शी वॉर दैट आउटफिट एंड शी कैरीड इट वेरी वेल, रियली वेल, रियली वेल, बहुत अच्छा। शाहिद, हेलो। हाँ हाँ, हेलो, बहुत देर का शो जा रहा है। हम जजेस जब ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि हु गोज नंबर वन, तो उसमें एज एंजी एंड सोफिया सेड के इनका जो एटीट्यूड था, इट वाज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड वेरी पॉजिटिव, इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स जिसमें तमाम दूसरी मॉडल्स बैक स्टेज पर लड़ रही थी, ये शी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर होल्डिंग हर हैंड्स एंड यू नो कि ठीक है मेरे हिस्से में जो आएगा मैं पहन लूँगी, एंड दिस इज समथिंग द एटीट्यूड। अभी मैं माही को यही कह रहा था कि नो मैटर हाउ बिग अ मॉडल यू बिकम टुमारो, अपना जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम्बलनेस है, इसको खत्म नहीं करना, बिकॉज यही वो चीज है जो आपको आगे ले जाती है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वाजिद के साथ क्या कर रहे हो, तुमने बेस लगा दी है, मेकअप बेस लगा दिया, पाउडर लगा दिया, एंड देन अच्छा हमने पाउडर लगा दिया, हमने सिंगल गोल्डन आई शेडो लगाया था और फिर हमने कॉन्टूरिंग किया आईब्रो का हल्का सा। माय क्वेश्चन okay. माही के फेस पे, माही जैसा फेस अगर है, क्या वाकई आपको कंटूरिंग की जरूरत है? लाइक विनीता का अगर चेहरा है तो शी इज सो स्लिम ऑलरेडी, तो इनके बाकी चेहरे पे क्या किसी कंटूरिंग की जरूरत है? थोड़ा सा कंटूर करना होता है ताकि फीचर एनहांस हो जाए, क्योंकि जब हम पाउडर लगाते हैं, जब हम पाउडर फेस पाउडर पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं या बेस की एप्लीकेशन करते हैं, तो वो ये खाली कैनवस की तरह हो जाता है। जैसे जब पेंटिंग, जैसे आप दीवार पे पेंट करते हैं तो दीवार को एनहांस करने के लिए कहीं ना कहीं आप बॉर्डर देते हैं, कहीं पे लाइन देते हो, उसी हिसाब से जब आप फेस पे बेस लगाते हो तो ये बिल्कुल एक ब्लैंक हो जाता है, तो आपको हल्का सा कलर देना पड़ता है कॉन्टूरिंग के उसमें, ताकि एनहांस हो जाए कि नाक आपकी, नाक ये है, आपके चीक बोन्स इतने हैं, तो लिटिल बिट कलर बहुत ज़रूरी है। ऑल दो माही के जो फीचर हैं वैसे ही बहुत पतली सी है, तो हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया है, हमने थोड़ा सा पिंक दिया, हल्का सा हम शिमर करेंगे ताकि उनकी चीक बोन्स थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ठीक ठीक है। नाक को हल्का सा कॉन्टूर करेंगे, हल्का सा ज़रूरी है, हल्का सा टिप के ऊपर, हल्का सा सिरप। अच्छा, और ये कितनी देर ले, ये तकरीबन हो गया, ये तकरीबन, शी इज रेडी फॉर द फर्स्ट वॉक। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद माही इज रेडी फॉर द फर्स्ट वॉक, उनकी जो पहली वॉक है उसके लिए तैयार है। सुफिया, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। वाजिद ने अपना कमाल जो है वो दिखा दिया है, वाजिद ने मेकअप कर दिया है, सूफिया का जो आउटफिट है वो उन्होंने पहन लिया है, तो आइए चलते हैं माही की तरफ, एंड लेट्स सी हाउ माही लुक्स। 1 2 3 4 एंड म्यूजिक।
थोड़ा सा जरा कुछ अगर इस आउटफिट के बारे में बता दें सुफिया तो इट विल बी रियली गुड. दिस इज़ अ वेरी समरी पेस्टल फ्लोरल आउटफिट. बहुत गर्ली लुक दे रहा है एंड सिंस शी इज़ यंग तो वी थॉट के पहली लुक जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर फ्रेश लुक आए एंड इट्स फ्लोरल. थोड़ा सा सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है. इट्स रैप विद अ फ्लोरल बेल्ट और नीचे हमने इसके साथ गरारा पहन दिया है. अगर हम इसको फोकस करते हैं इस ड्रेस को तो भी बहुत अच्छा रहेगा. या देयर यू गो थैंक यू जी. शॉर्ट टॉप्स आजकल फैशन में उसके साथ गरारा पैंट्स देनी है टू गिव अ कंप्लीट लुक. सो इट्स लुकिंग लवली. यू लुक ग्रेट. एक बड़ा मसला होता है ज्वेलरी का. वो बड़ा एक इशू होता है कि जी खवातीन को ज्वेलरी तो चाहिए होती है. तो नाइस चीज़ है. टेल मी आप क्या चूज़ करेंगे इनके लिए. आप लोग हम सब चूज़ कर सकते हैं. आई थिंक माही शुड गो इन. माही शुड यू कैन एक्चुअली कम हियर. माही तुम इधर आओ और यहाँ चूज़ करो. क्या क्या तुम इसमें से क्या पसंद आ रही है. सारी की सारी दुकान है हमारी माही के लिए आज. मैं घर ले जा सकती हूँ क्या. बिल्कुल ले जा सकती हूँ. आप इधर आ जाइए. क्या आप एक काम करें आप असल सोर्स को घर ले जाएं. शाहिद को घर ले जाइए. बिल्कुल सही हो जाएगा. ज्वेलरी चाहिए. शाहिद नहीं. शाहिद नहीं चाहिए. जी बताइए. हमारे पास ये ट्रेडिशनल है जो शायद इस पे नहीं जाएगा. नहीं ये ज्यादा. इधर हो जाओ. कैमरा देखेगा ना. वहीं से बता दो. इसके साथ हम वो वाइट जो ग्रीन है वाइट और ग्रीन के साथ जी. ये इसमें पर्ल भी है ग्रीन भी है. और ये ग्रीन विल सेट ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ द ड्रेस. एग्जैक्टली. वाओ. दिस शुड गो वेल विद दिस. अच्छा दिस विल गो. दिस शुड गो वेल विद दिस. विनीता व्हाट डू यू थिंक. यस इट विल. सो ठीक है. विनीता भाई हेल्प कर. अच्छा आप बताइए. इट्स अ नाइस सेट क्योंकि उसके अंदर पर्ल्स भी आ रहे हैं. हमारे काम में भी पर्ल्स हैं एंड इट्स सिल्वर सो इट विल लुक नाइस विद दिस आउटफिट. ऑलराइट जी आप इसको खुद पहन सकती हैं. हां ओके पहने. और जो ग्रीन है वो अटेंशन को कैच करेगा. हां वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. शायद ये तुम भी पहन लो. काम नहीं चले हुए मेरे. The one that you're wearing there, that's also very nice. हाँ जो अपने earrings आपने भी पहने हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो भी इन्हीं के. अच्छा शाहिद के ही. ओके ओके. तो दिस इज नाइस. ऑसम. अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल. आपकी एग्जीबिशन के बारे में ज़रूर बात करें. ये तमाम ज्वेलरी और इसके अलावा बहुत सारे ड्रेसेस जो है. अब ज्वेलरी जो है वो एग्जीबिशन आ रही है 2 और 3 दिसंबर को डॉलमिल मॉल कराची में FPL फैशन पाकिस्तान लाउंज में. नाइस जे की एग्जीबिशन एंड ईयर एंड सेल है. तो ये तमाम ज्वेलरी जिसको 25% up to 50% डिस्काउंट पे चाहिए हो वो 2 और 3 को डॉलमिल मॉल में FPL ज़रूर विजिट करें. और आज अगर आपको ये ज्वेलरी चाहिए तो जितनी भी ज्वेलरी आप हमें सिर्फ कॉल कीजिए. यहाँ पर कॉल लगने की भी ज़रूरत नहीं. आप हमें कॉल कीजिए आपको मैसेज दे देंगे. सीरियसली वाओ. आई थिंक इट्स फैबुलस. थोड़ा सा जरा बैठ जाइएगा ताकि इसमें फोकस किया जा सके. बिकॉज़ आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस ज्वेलरी. दिखाइएगा जरा जो गोल्ड वाला उसको पीछे कर. हाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में गोल्ड को पीछे करना चाहिए. नहीं ठीक है पीछे बैग को थ्रो कर दो. ओके बैग. आई थिंक वी शुड टेक दैट ऑफ. कैन वी टेक दैट ऑफ. निकाल सकते हैं. बिकॉज़ आई थिंक वो अगर निकल जाएगा ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. गोल्ड थोड़ा सा उसको ऑफ कर रहा है. नाइक जो ग्रीन है वो येलो को और वाइट को बहुत अच्छा मिक्स करके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. किस ट्रिक सेम कलर है. या और एनहांस कर हो गया ये पूरा जो है. इट्स टाइट. वी नीड टू कट इट ऑफ. ओ देन जस्ट थ्रो इट ऑन द बैक गर्दन में. हां पे नजर नहीं आएगा. हां ऐसे कर यही है. देयर यू गो. देयर यू गो. देयर यू गो. जी और बाद में ठीक कर देना. सही. वाओ. अच्छा लुक दिया वाजिद. सटल और बहुत लाइट विद लिटिल डार्क लिपस्टिक. अच्छा जरा थोड़ा सा बताइएगा वाजिद ये कौन सा मेकअप है. किस तरह का लुक है. क्या है. ओके हमने डे मेकअप की बात की थी. ये मेकअप आप इवनिंग में भी कर सकते हैं. ठीक है. और बहुत सॉफ्ट हमने गोल्ड शेड लगाया है. शिमरी गोल्ड शेड लगाया है. और हमने आंखों के नीचे हल्का सा ऑरेंज के साथ इन्हांस किया है. क्योंकि जब हम गोल्ड शेड लगाते हैं तो थोड़ा सा आँखें पूरी आंखों पर अगर लगाएं तो आंखें दब सी जाती हैं. तो हमने उसको इन्हांस करने के लिए हल्का सा हमने ऑरेंज शेड नीचे दिया एंड थिक मस्कारा किया है एंड फूशिया कलर की लिपस्टिक लगाई है ताकि वो
ब्राइट लगे थोड़ा सा एंड पिंक ब्लशर लगाया है विद शिमर और कर्ल्स करके हमने सेंटर पार्टिंग करके हमने थोड़ा सा बालों को मिस जैसे मिस यूनिवर्स में पेजेंट पे जो लड़कियां होती हैं हमने वो स्टाइल दिया। आप मुझे बताएं अगली लुक में आप क्या करने जा रहे हैं ताकि ये तो माही इस तरह से हो गई। अगली लुक में हमने जैसे इसी मेकअप को हम जैसे भी हमने सॉफ्ट किया हुआ है तो हम इसी में लाइनर लगाएंगे और कॉर्नर बनाएंगे और हम स्लीक हम बिल्कुल साइड की पार्टिंग करके हम बन बनाएंगे साइड में तो हम वो बालों में साइड की पार्टिंग हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी वेरी सिंपल बहुत आसानी से। हाँ वो इवनिंग लुक होगा और फिर हम आखिर में आपको दिखाएंगे रेड कार्पेट लुक जो रेड कार्पेट पे होता है जो जो क्राउन जैसे आपको पहनाया जाता है तो हम आखिर में वो लुक करेंगे। ठीक है जी इजाजत है आपकी। तुमने कभी माही सोचा था इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ इतना काम कर रहे होंगे? नहीं सोचा था बिल्कुल भी नहीं सोचती थी बट फर्स्ट टाइम मैंने शो किया है पार्टिसिपेट किया था और बहुत खुशी हो रही है मुझे और एन जी बहुत हेल्प करती है कल उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे बताती रहते हैं कि ऐसे वॉक करनी है तुम्हें ऐसे ऐसे बैठना है और वाजिद वो भी मुझे वॉक सिखाते थे। एक्चुअली आई डू ग्रूमिंग सेशंस आल्सो जी आई नो तो जी तो वो फिर वो मुझे कुछ हो रहा था कि मैं इसको बताऊं कि किस तरह से सीनियर्स हैं हमारे ये मुझे सीखना चाहिए सही बात है इनसे ही तो सीखेंगे ना। अनीता अगर आपको एक टिप देनी हो इनको तो क्या टिप देंगी? पेशेंस और पैशन अगर इस फील्ड में रहना है तो आपको पेशेंस भी रखनी चाहिए और पैशन भी होना चाहिए। वाओ वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस इट इज ट्रू पेशेंस भी होना चाहिए साथ साथ पैशन तो कभी मरना ही नहीं चाहिए वो कभी मरना नहीं चाहिए बट यू लुक माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। एक छोटा सा ब्रेक है ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक बार फिर माही के लुक्स जो है उनको चेंज करेंगे आपने इस मेकअप को थोड़ा सा और एनहांस करना है और एनहांस करने के बाद फिर एक नई लुक जो है वो माही को दी जाएगी साथ साथ इसके बाद एक और लुक है जो बहुत ग्लैमरस होगी जो रेड कार्पेट लुक जिसको कहते हैं वो भी दी जाएगी। छोटे से ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग माही एक बार फिर आपके हवाले जरा जल्दी जल्दी बताइए कि करने क्या जा रहे हैं। ओके अभी हमने जैसे सिंगल शेडो लगाया गोल्ड को अब हम उस पर हम लाइनर लगा रहे हैं ठीक है आप देखने से हमने एंड पे लाइनर लगाया है। अच्छा आपके पास सिर्फ ये ब्रेक होगा चेंज करने के लिए। ओके ठीक है हमने ये लाइनर लगाया उस लाइनर को हम हल्का सा साइड से ब्लेंड करेंगे हल्का हल्का सा थोड़ा सा हम इसको फॉर्मल करें इवनिंग मेकअप टाइप। ओके अच्छा ये जो आप लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं ताकि इनकी आंखें खुली हुई नजर आए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है हाँ आंख खोलेंगे भाई और नीचे देखेंगे नीचे आपने भी बनाया मैं जी राइट वाजिद तुम बताते रहो। जी हमने ये लाइनर लगा के पूरी आंख पे और हल्का से इसको हमने ब्लेंड किया ताकि आंख थोड़ी सी खुली भी लगे और एंड में से थोड़ी ब्रॉड लगे थोड़ी लिफ्ट लगे। ओके ठीक है सिंपल है बहुत ये देख सकते हैं हल्का सा। अच्छा आपने जो ऊपर गोल्ड शिमर किया था वो आपने चेंज नहीं किया? वो चेंज नहीं किया हमने उसी को किया है और बहुत ज़्यादा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गोल्डन आई शेडो ले लेते हैं और एक लाइनर ले लेते हैं और आपके पास एक ब्लशर का कलर होता है तो यू कैन क्रिएट बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा भी जो भी मेकअप हुआ हुआ है देखिए मैंने सिर्फ ये डार्क गोल्ड शेड लगाया हुआ है उसके ऊपर हल्का सा लाइट कॉर्नर्स किए हुए तो वो बहुत ग्लैमरस लुक दे रहा है जी। लेकिन मेरा मेकओवर और मेरे बाल जो हैं वो मेरा मेकअप हुआ है काशिश से तो थैंक यू टू हिम मैंने स्पेशली वहाँ से मेकअप करवा के यहाँ पर आई हूँ तो थैंक यू काशिश फॉर दिस लवली मेकअप और लवली मेकओवर वेरी नाइस ब्यूटीफुल। तो हमने दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लाइनर को लगाया एंड आई डोंट नो व्हेनेवर दिस सॉन्ग यू नो प्लेज इन द बैकग्राउंड समथिंग हैपेंस टू मी आई डोंट नो व्हाट इट इज दिस सॉन्ग हैज समथिंग इन इट आई डोंट नो बहुत खूबसूरत गाना है ये कुछ होता है इस गाने से। वाजिद टाइम अच्छा वाजिद बस हो गया कि वाजिद इज वेरी क्विक उफ और आपने तो आपने वाजिद का जब जब ये कॉन्टेस्ट हो रहा था तो वाजिद की फुर्तियां चेक करने वाली थी ऑनेस्टली वाजिद वाज जस्ट अमेजिंग सुपर टैलेंटेड और सुपर इसके अंदर जो है ना पावर्स आ जाती हैं एंड ही मुझे
He takes competition very seriously. You know, he's basically a very hyper person, and what I like about him is he uses it in a positive direction. Of course. And har cheez ko bahut serious aur bahut loyalty ke saath kaam karte hain. He's very sincere to his work. That's what I'm saying. Yeah, loyal to his work. Apni jo अब हम लिपस्टिक को हल्का सा हल्का करेंगे क्योंकि अभी बहुत ब्राइट लिप कलर लगा अच्छा इसमें आप लिपस्टिक को थोड़ा सा टोन डाउन करेंगे अच्छा लेकिन वाजिद मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आपकी बहुत डार्क आईज हो तो जरूरी नहीं है कि आप लाइट लिपस्टिक ही लगाएं अगर डार्क आईज है यू कैन वेयर वो कहते हैं रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन आई लव इट बिल्कुल 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 एंजी आपने अच्छा हम बाल भी जो है ना रूल ये है कि एक फीचर अगर एनहांस किया हुआ है तो दूसरे फीचर को थोड़ा सा सप्रेस करना है लेकिन रूल्स होते ही इसलिए कि उनको तोड़ा जाए और वादे भी इसलिए होते हैं कि टूटे जाएं प्रॉमिस ना करें प्रॉमिस करें ये तो मैं तो वादा ही नहीं करती ना मुझे ऐसा लगता है वादे होते हैं टूटने के लिए इसलिए मैं वादा नहीं करती मेरे तो मेरा जो मोस्ट फेवरेट हीरो है उसका तो डायलॉग वही है कि जब मैं एक बार कमिटमेंट अपने आप से कर लूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता एंड दैट्स व्हाट इट इज दैट्स हाउ इट शुड बी दैट्स हाउ इट शुड बी And by the way, I'm talking about Salman Khan. So everyone knows. अब ये जेल बैग लुक दे रहे हो? ना हम ट्विस्ट कर रहे हैं. ट्विस्टीज. वाह यार बाजर. ट्विस्टीज. दो मिनट के अंदर इसे. यार ये तो सीरियसली भाई बिल्कुल चेंज हो गई है. ट्विस्ट कर दिया हमने ठीक है और इन वाले बालों को जब कितनी देर में बदल के ये कर्ल्स किया है ठीक है. Awesome बाजर. हमने सिर्फ इस वाले बाल को. पांच मिनट नहीं तीन मिनट है तीन मिनट के अंदर बुशरा कर सकती हैं मुझे वो दो सुबह कर सकती हैं तीन मिनट में नहीं कर सकती शी गोस नहीं ब्यूटीफुल वेरी वेरी नाइस भाई वेरी नाइस ब्यूटीफुल अच्छा अच्छा ये देख लीजिएगा कि ये सब कुछ लाइव हो रहा है सब कुछ इसी तरह से हो रहा है एंड बन भी बन गया देखिए एक ही ब्रेक के अंदर यू कम हियर उसके बाद हम हल्का आर वी डन हम डाले हम सिर्फ हमें लिपस्टिक हल्का सा चेंज करना ओके बहुत ज्यादा सर को फ्लैट नहीं करना हमें यहां से हल्का सा लिफ्ट देना है ये इस तरीके से ओके आर वी डन Are we done? Are we done? You go. 3 minutes. Jaldi se. Go. Yes, you also go. Vajid bhi chalega, sabhi chalega. 3 minute ka mukabla hai. 3 minute ke andar andar ye change jo hai, ye yahan par honi hai. Aur agar ye sab kuch is waqt aise ka aisa ja raha hai. 3 minute mark your watches. Time mark kar lijiye. 3 minute ke andar andar, 180 seconds ke andar andar ye change jo hai ye honi hai. Aur agar nahi hui to koi baat nahi. हो जाएगा ज़्यादा में हो जाएगा लेकिन I'm really hoping and praying कि ये जल्दी हो जाए तब तक हमारे पास 180 के सेकंड्स हैं कितने तीन मिनट हैं तो इतनी देर में आप अपना फोन निकालें हम तीनों अपनी एक सेल्फी ले लेते हैं लाइव ओह माय गॉड इनका गाना होना चाहिए इनका गाना और ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं वाजिद बहुत अच्छा गाना गाते हैं सुनना आपको तालियां तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह जावा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह जावा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल गी मैं भी ते दिल भी तेरा कोल मेरे आ गई नजरा मिला गई मर के ना हो भी जुदा तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह जावा पर परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन
ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਣ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ ਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਪਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ The most lovely show on TV is Aapka Sahir, guys. Everyone singing, so you... The most lovely show on TV is Aapka Sahir. So, then let's do a job. You guys put a song behind me, I'll call someone. 1, 2, 3, and we go. जैकेट के अंदर हमने थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स की और हॉट पिंक कलर की So overall evening look hai western hai and she's carrying it well yeah, so you look nice okay again humne us liner ko laga ke halka sa humne dark kiya corner banaye aur beige color ki humne ek lipstick lagayi hai taki wo aankhein thodi dark hai to lip ko humne thoda sa tone up kiya hai andar under kiya aur baalon ko twist karke aur humne yahan pe ek side bun banaya bahut acha hai vaajit aapko kaisa laga mujhe bahut acha laga ओवरऑल और ये बहुत अच्छे से कैरी कर रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इन पे कॉन्फिडेंस बहुत है माही में बहुत कॉन्फिडेंस से वॉक करती हैं सो दिस इज अ वेरी अच्छा एक और कॉन्फिडेंस आपने दिखाना है सामने देखने कैमरे में और कहना अभी एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरी नई लुक के साथ नहीं मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ प्लीज मेरे पीछे पीछे बोलो लेडीज एंड जेंटलमैन ये जो मेरे बराबर में खड़े हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते ब्रेक के बाद
अच्छा बात जी जल्दी से बताओ, अब हम क्या ग्लैमरस लुक करने वाले हैं? हाँ, रेड कार्पेट लुक कर रहे हैं। अच्छा क्या ये रेड कार्पेट लुक हमारे घरेलू खवातीन जो इस वक्त मेरी बहनें और जो देख रही हैं बैठ के शो को, तो वो भी कर सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती हैं। जो ये रेड कार्पेट लुक का मतलब ये नहीं है कि रेड कार्पेट पे ही करेंगे। हाँ। आप शादी वलीमे में जो लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जो लड़कियां आजकल गाउन्स आ गए, लंबी लंबी मैक्सियां आ गई जिसको मैक्सी कहते हैं, ये उनके साथ भी जा सकते हैं। मतलब पार्टी वेयर ये वो फॉर्मल रेड कार्पेट लुक जो होती है, जब बहुत ज्यादा फॉर्मल कोई इवेंट होता है, जब बहुत टाइम नहीं है तो वापस वाजिद जल्दी जल्दी करना है। जी जी हो जाएगा। वाजिद तब बन बना रहे हो? हाँ जी। अच्छा वाजिद वेरी वेरी क्विक, यही तो बात अच्छी है। ठीक है, अब के बाद क्या करना है? हमने जो अब मेकअप को हम क्या करना है कि हमने मेकअप पहले किया हुआ है, अब उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। आंखें बंद कर इसी मेकअप को डार्क करोगे? इसी मेकअप को, ये देखें उस लाइनर को हमने। ये तो एक मेकअप आर्टिस्ट का जो है ना, ये क्रिएटिविटी होती है, इसको क्रिएटिव होना पड़ता है। आप खुद से भी कलर्स को खेल सकते हैं। ओ वाओ, ओके, पूरा ब्लेंड कर दिया, बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है कि वो जमा हुआ पैच ना लगे। ठीक है, सॉफ्ट स्मोकी है। गोल्ड खत्म कर दिया ना? गोल्ड खत्म कर दिया और हमने उसको ब्लेंड कर दिया। इज इट कॉल्ड स्मोकी मेकअप? स्मोकी, स्मोकी है। और ये सॉफ्टली सॉफ्ट स्मोकी है। आपको कौन सा मेकअप अच्छा लगता है? पता नहीं कौन सा अच्छा लगता है मुझे, नाम आ गए दो तीन, सॉफ्ट स्मोकी मेकअप, नाइट मेकअप, डे मेकअप, यू नो, आई डोंट नो इफ देयर इज एनी अदर मेकअप। ग्लैमरस, ग्लैमरस आईज, ग्लैमरस मेकअप, गोइंग टू अ फ्यूनरल मेकअप, फैंटेसी मेकअप, अ फ्यूनरल मेकअप। और एक वक्त ऐसा, खुदा ना करे ऐसा ना आ जाए कि जब डिफरेंट मेकअप हो, नानी चली गई उनका मेकअप अलग, नाना चले गए उनका मेकअप अलग, दूर का कोई रिश्तेदार गया तो उनका मेकअप अलग, कोई दोस्त ऊपर चला गया तो उसका मेकअप अलग। इट कैन हैपन, यू नो। अच्छा वैसे नॉर्मली फ्यूनरल्स में तो नहीं करते, यूएस में तो करते हैं। फ्यूनरल में तो जो बेचारा जिसका इंतकाल हो जाता है उसको भी मेकअप करते हैं। हाँ वो वहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होता लेकिन वहाँ करते हैं। वहाँ डेफिनेटली किया जाता है, वहाँ ब्लड को निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है और फिर आपके चेहरे को, हाँ हाँ बाकायदा ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, उनको ऊपर से मेकअप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, फ्यूनरल पार्लर्स हैं वहाँ। बिल्कुल पार्लर्स और बेतहाशा है, फ्यूनरल होम्स हैं। नहीं, फ्यूनरल पार्लर है वहाँ पे। अरे हंसने की बात नहीं है विनीता, जब इंतकाल हो जाता है तो घर में नहीं रखते। नहीं, दे आर कॉल्ड, अच्छा मैं आपको, फ्यूनरल पार्लर, दे आर कॉल्ड फ्यूनरल पार्लर्स, दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड फ्यूनरल होम्स, और उन फ्यूनरल होम्स के अंदर फ्यूनरल पार्लर्स होते हैं, दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड, that's what they're called. Ya Allah Taala, aise mekap se hum sab ghar walon ko sabko bachana, toba toba kabhi na jaye. Acha pata hota kya hai, देख फर्ज करें कि आप 1997 के आप चले गए तो वो आपका सब ब्लड तो निकाल लेते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी भरते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, आपके फीचर्स चेंज हो जाते हैं। नहीं मैं आपको बताऊं, फ्रेश हो जाता है, अरे फीचर्स चेंज हो जाते हैं आपके, तो आपने किसी को यूं झाके देखो ये कौन है पता नहीं, तो आपको जो याद होता है वो याद नहीं रहता, बट बस के नहीं ना, आई लव दैट दफा पार्ट, यू नो, अरे मुझे ऑल ऑफ अ सडन I just remembered my nanny, you know, she used to say, Are dafa? Are dafa? So, you know, good. Wow, there you go. Hey, Wajid ne to kamal kar diya. Wajid waqai kamal karta hai. Itni jaldi fatafat, bun bana ke upar hai. उससे पहले जो होता ना बगैर डोनट के जो चीज थी वो भी अच्छी लग रही थी। Nice, very nice. साहिर क्या मुझे अपना स्टार बता सकते हैं? आपका स्टार साइन क्या? हाँ जी, टॉरस। आप भी टॉरस? There you go. The bull. Yeah. आप क्या कहते हैं? I'm a Libra. And you are? मैं Virgo. You're also Libra. I'm a Virgo too. Virgo. Oh, hi. How are you? चल भाई शायद. How are you? कैसा भाई तू ठीक है? अरे डाकने में क्या? मैं किसको बोलूँ? मुझे बोला जी, मैं Libra. चलते काम नहीं हमारा। लिब्रा लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं।
मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ ये क्या होते कौन है माइक माइक चाहिए हाँ माइक बिल्कुल मिल सकता है ये लीजिए जरा इसको खोल दीजिएगा हाँ जी बोलूँ हाँ आप बोलिए लिब्रा बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं बहुत लविंग होते हैं जेलस नहीं होते और बहुत अच्छे होते हैं दिल के शी इज राइट लविंग होते हैं केयरिंग होते हैं जेलस नहीं होते और बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं बहुत केयरिंग होते हैं और दूसरा वो होता है कि बहुत सीधे साधे होते हैं नहीं तो हम लोगों को टोरियंस को क्या इसराइल के बच्चे हम लोग मुझे ना मुझे अपनी तारीफ करनी अजीब सी बात है यार सब लोग वो कह रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है मेरा मुझे और तुम्हें किसने कहा किसी यहूदी के हम पैदा हुए हैं हम लोग भी तो किसी न किसी माँ की औलाद है नहीं नहीं ऐसा यू वॉन्ट रियल लव Then you need to get a Taurus. Seriously? बस कर रहे हैं अब आप. No, I'm very serious. भाई मैं तो जा रहा हूँ इसे इतने झूठ बर्दाश्त नहीं हो सकते. कहाँ में real love yeah that exists. Your commitment, loyalty, care. And love. वो तो वर्गोस में भी जो आपको टॉरस दे सकता है कोई दूसरा साइन नहीं नॉट बिकॉज आई एम अ टॉरस आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चार चीजें जो आपको टॉरस दे सकता है जो कमिटमेंट आपको टॉरस दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता ओके हमारा मेकअप हो गया बाल हो गए और मेरे पता नहीं मेरे कान बज रहे मैंने समझा इन्होंने कहा हमारा निकाह हो गया नहीं नहीं मेकअप हो गया बाल हो गए हमारे और अब माही नेक्स्ट लुक के लिए रेडी है Okay, so are we done? We're done. अब change करेंगे. कितनी देर लगेगी आपको change करने में? तीन मिनट. पांच मिनट. वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ना. Go, go quickly go. चलो, आ जाएं. हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम लोग Taurians का क्या होता है? चाय साथ होते थे मुझे. हाँ, आप बताओ Taurians का क्या होता है? अच्छा, Taurians को अगर इजहारे मोहब्बत करना हो तो कैसे करेंगे? Taurians का एक setback है कि वो बड़े straight forward लोग हैं। अच्छा फर्ज करो कि तुमको विनीता से इजहारे मोहब्बत करना हो तो कैसे करोगे? Okay, I'll simply look into your eyes and मैं कहूँगा बहुत प्यारी लग रही है और I love you. अगर मुझे कोई कहे बहुत प्यारी लग रही है और I love you तो मैं तो बिल्कुल उस पर यकीन ना करूँ। क्यों? बहुत प्यारी। Why? Why? Because दुनिया में झूठ इतना है, फरेब इतना है, इसलिए आपका टॉरस से वास्ता नहीं पड़ा मसला ये नहीं पड़ा किस किस को इस बात पे यकीन है कि जो ये कहेंगे उस पे एक लड़की को यकीन आ जाएगा किसी को किसी भी नहीं आ रहा किसी को भी नहीं नहीं वैसे इतनी बुरी बात नहीं है आंखों में आके डाल के कहना कि आई लव यू इतनी बुरी बात नहीं सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कहना है अपने आप को तैयार करना है कि आप किसी को आई लव यू कह सको I think actions speak louder than words. True, but you have to express it also. I'll give you an example. मैं मुझे thank you कहने की आदत नहीं थी. ठीक है? जब मैं states में था तो वहाँ पे लोगों ने मुझे थोड़ा सा तुम सिमट के बैठे हो और फैल के बैठ जाओ. तो American culture ने मुझे ये सिखाया कि चाहे वो आपकी माँ हो या बीवी हो या भाई हो या कितना भी अच्छा दोस्त हो अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो यू शुड अप्रिशिएट इट और आप उसको थैंक यू बोलें हमारे यहाँ कि नहीं थैंक यू की क्या बात नहीं 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 थैंक यू की ठीक है थैंक यू की बात है कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ये नहीं कि फौरन तारीफ की कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो फौरन कह दिया आई लव ऑल आई लव यू अच्छा मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ आई लव यू कहना ना हमारा कौमी खेल है मैं सच बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ इट्स वेरी इजी टू से पहला 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 पहली लड़की देखी आपने और आप उसके पीछे भागते हुए आई लव यू सीरियसली आई एम टेलिंग यू ऐसा होता है मुझे याद है कि जब हमने पहली मर्तबा हम को एजुकेशन कॉलेज में गए तो हर लड़के को पहले दिन पहली लड़की से मोहब्बत हो गई थी हर लड़के को जिसने क्योंकि जाहिर है हमें तो कहाँ नसीबों से मिलती थी वो ये थी कॉलेज में पहुंचे जो चारों तरफ लड़कियां पागल हो गई आई लव यू इट हैपेंड और आज जब उन लड़कियों को देखते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं हमारी एक दोस्त थी तो मुझे बड़े अरसे के बाद मिली
तो मुझसे कह लेंगे हेलो तुम पहचाने मुझे, मैंने कहा जी मैं पहचान गया इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीरियसली वो अजीब सी हो गई थी बहुत ज्यादा। तो एक्चुअली मैं आपको एक ऑन अ सीरियस नोट, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसकी शादी हो जाती है वो खातून समझती हैं, वो लड़की समझती है कि बस मिशन अकम्प्लिश्ड, मेरा मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया, शादी हो गई एंड दैट्स इट। और जिस मर्द की शादी होती है वो शादी के दो साल के बाद समझता है कि हुआ क्या है। ये तो मैंने बार्गेन ही नहीं किया था, ये क्या मिल गया मुझे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहाँ पर हैं आप? आ जाइए प्लीज, आ जाइए। एनजी आ गई, तालियां तो बजाइए, जब तक आप तालियां नहीं बजाएंगे एनजी आएंगे नहीं। सो आई थिंक द लुक इज डन, वो तैयार हो गई हैं। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। या बिल्कुल डिफरेंट एंड बिल्कुल ब्यूटीफुल। या व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ वाओ फैक्टर। इट्स अ वाओ फैक्टर। इट्स अ वाओ फैक्टर। तुमको भी देख के एक वाओ फैक्टर आता है। सीरियसली मैं शायद को देखता हूँ तो वाओ। हाँ जी, कैसा लगा? लोग बताएंगे, आप बताएंगे, आप मुझे बताएं ना आपको कैसा लगा। लोगों को तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। या टोटली डिफरेंट। विनीता, यू हैव सीन, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल पूरा पर्सोना, पूरा पूरी एक मॉडल लुक, बाल इतने अच्छे, कपड़े इतने अच्छे, आज तो बस होने वाली है। वेल हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाउड कीजिएगा जरा म्यूजिक को। एंड 1, 2 and 3 एंड मे आई गिव यू द वंडरफुल द वेरी प्रिटी माही। कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी। थोड़ा सा जरा मुझे ड्रेस के बारे में बता दीजिए, मेकअप के बारे में बता दीजिए। यू गो फर्स्ट। बाजी मेकअप और बन तो तुमने ऐसा ग्लैमरस इसको लुक दिया कि सीरियसली लग रहा है कोई मिस यूनिवर्स का कोई कॉन्टेस्ट था। ये हमारी मिस यूनिवर्स थी। As we said, this was supposed to be a red carpet look. Black gown hai. Black always looks very smart and stylish. Uske saath jo neckline hai, uspe pearls aur diamonds ka kaam hai. And there's a T at the back that is giving a very edgy look to the outfit. And bahut acha carry kar rahi ho. And you look very different and very pretty. Yes, sir. माही की मेहनत, वाजिद की मेहनत, एनजी की मेहनत, सोफ़ी के कपड़े ने इसको बिल्कुल पेजेंट क्वीन बना दिया। और
बात मेकअप की या उसकी नहीं, माही का कॉन्फिडेंस और जो शाहिद साहब का जो क्राउन पहना हुआ है माही ने, तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बात सारी क्राउन की है, क्राउन की बात है, और मेकअप बहुत सॉफ्ट सा मेकअप है, हमने उसी लाइनर को ब्लेंड किया है और हमने लिप्स को भी हमने न्यूट सा रखा है, हमने सिर्फ शिमर के साथ प्ले किया है, और जो एनजी ने कलर किया था वो हमने शाइन स्प्रे के साथ उसको थोड़ा हाईलाइट किया है बन के अंदर। पैकेज होता है टॉप टू टो, और अगर उसमें कोई भी एक चीज़ गलत हो जाए तो पूरी पर्सनालिटी जो है वो शैटर हो जाती है। एंड आई एम वेरी ग्लैड द वे शी इज स्टैंडिंग, द पॉइज, उसका जो एक एलिगेंस है वो आप जो भी आउटफिट पहनते हैं, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं या गाउन या शलवार कमीज या व्हाट सो एवर, तो उसको कैरी करने का हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। मैं यही कहूँगी सबकी तरफ से कि सबने बहुत मेहनत की और माही का खुद का बहुत कॉन्फिडेंस था। ये क्राउन बाकी आप पे सूट करता है और आप ही के लिए बना था। अब आपको जरा यहाँ आना है माही, इस तरफ आना, इधर आके, ऐसे आके सीधी आके खड़ी हो जाइए, हाँ ऐसे। यू हैव टू से थैंक यू टू ऑल दीज पीपल, आपको थैंक यू करना है इन तमाम लोगों का, लेकिन आपके पास एक मिनट है और किसी को छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच वाजिद, मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, मुझे बहुत खुशी है। नहीं, आपने मुझे बहुत गाइड किया है, मुझे नहीं पता था कि मैं क्वीन बन सकती हूँ या नहीं, बट आपने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच एनजी, आप मुझे बहुत गाइड करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल जैसे आपने मुझे गाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वनीता, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट हैं और माशाल्लाह बहुत प्रीटी हैं, और आप मुझे गाइड करती हैं, बताती हैं, और आपने मेरी बहुत तारीफ की। थैंक यू सो मच सोफिया, आपके कलेक्शन बहुत प्यारी है, नो डाउट। ये कलेक्शन पहन के मैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। और शाहिद के लिए क्या बोलूँ, शाहिद थैंक यू सो मच, ये क्राउन जो है बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी लग रही हूँ, आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पे आप सब लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच साहिर, या साहिर आपके लिए भी प्लीज, साहिर बहुत अच्छे हैं और शो भी बहुत अच्छा है। ऑडियंस, जब मैं एलिमिनेट हो रही थी ऑडियंस रो रहे थे मेरे लिए, और मुझे बहुत खुशी है और अल्लाह का शुक्र भी है। अरे मेकअप खराब हो जाएगा, बहुत महंगा मेकअप है ये। एक्चुअली ये तुम्हारा नहीं, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। मेरा जहाँ नाम आता ना औरतें रोने लगती हैं। हाँ मम्मा का भी थैंक यू करो। अम्मी थैंक यू सो मच, वो मुझे बहुत गाइड करती हैं, हमेशा मुझे बताती हैं, हार जीत होती रहती है, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी से लड़ना नहीं, और जो भी है मैं बहुत सीधी सादी हूँ आई नो, बट मुझे नहीं लगता कि मॉडल सीधी होती हैं, और मुझे खुशी है सब सीधी होती हैं। अच्छा अभी तुमने अम्मी का शुक्रिया अदा कर दिया, अब बोलो बुआ थैंक यू, बोलो 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 बुआ थैंक यू। बुआ के लिए कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी बुआ नहीं है, अम्मी बहुत गाइड करती हैं। मैं जो बोल रहा हूँ हमारी तो है ना बुआ, बोलो बुआ थैंक यू, बुआ थैंक यू, चाचू थैंक यू, चाचू थैंक यू, जरीना आप ही थैंक यू, जरीना आप ही नहीं है यार, अरे यार बोलो ना, बोलना जरीना आप ही थैंक यू, थैंक यू बोलो, नौशाद भाई थैंक यू, साहिर भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सही बात है, सारे लोगों का शुक्रिया करके अम्मी तक तो बात पहुंच गई थी, मैंने कहा अंकल आंटी भी इसके अंदर शामिल कर लो ना, अच्छा हो जाएगा। नहीं अम्मी के लिए तो बोलते हैं, माँ को थैंक करना बहुत जरूरी। व्हाट अबाउट योर फादर, फादर के लिए? पापा जब शो देख रहे थे, जब मुझे क्राउन पहनाया गया तो वो रो रहे थे, उनको बहुत खुशी हो रही थी, मैंने कभी आंसू नहीं देखे अब्बू की आंखों में, बट वो खुशी के आंसू थे, और मेरे अब्बू सबके दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं।
इस बात पे सबसे ज़्यादा तालियां मैं बजा रहा हूँ. उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ. मेरी एक बेटी है, शी इज़ 11 मंथ्स ओ एंड आई थिंक द वन थिंग आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ इज़ मेक श्योर कि शी गेट्स द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड. शी डज एवरी थिंग वट शी एवर वॉन्ट्स टू डू. वो ज़िंदगी में जो करना चाहती है वो करे, जहाँ जाना चाहती है जाए, जितनी बुलंदियों को छूना चाहती है वो छुए. एंड इफ टुमारो नो वन रिमेंबर्स मी इट्स एब्सोल्युटली फाइन. कल अगर मैं उसके नाम से पहचाना जाऊँ तो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं है. बिकॉज दैट्स माई डॉटर, दैट्स माई डॉटर. तो एक छोटा सा ब्रेक आपके और हमारे दरमियान सुबह 9 बजे, तब तक के लिए मुझे और क्वीन माही को इजाजत दीजिए. इजाजत दीजिए. थैंक यू, थैंक यू. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. खुदा हाफिज़. बाय बाय.